तो गाइज क्या हाल चाल लेके आ गए आज एक और नई वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपने चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर्स करा दिए हैं भाई, और इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने इतना अप्रिसिएशन दिया चैनल को, ऐसी और वीडियोस डालता रहूंगा और ऐसे ही आपको और अप्रिसिएशन देते रहना, आपके अपने चैनल है। और मैंने एकदम स्टार्टिंग से भाई एकदम ऑनेस्ट रिव्यूज डाले हैं, किसी ब्रांड के साथ ऐसा नहीं है, मतलब किसी ब्रांड को मैंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया हो कि भाई ये ब्रांड तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। तो ऐसी और ऑनेस्ट वीडियोस देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छी लग रही हो वीडियोस। बाकी आपको मैंने जैसे पहले बोला था और प्रॉमिस किया था भाई 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं गिव अवे करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी मैं वही लेके आने वाला हूं, तो उसके अंदर आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाना है या फिर इस कमेंट सेक्शन में जाना है इसके, और मेरे को कमेंट करके बताना है कि आपको Q&A वाली वीडियो के अंदर क्या क्वेश्चंस चाहिए। मैं अगली वीडियो Q&A प्लस गिव अवे दोनों वाली लेके आने वाला हूं, इससे नेक्स्ट वीडियो मतलब। तो इसके अंदर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे को जल्दी जल्दी बता दो मतलब क्या क्वेश्चंस पूछना चाहते हो मेरे Q&A के अंदर। कोई भी लैपटॉप रिकमेंडेड क्वेश्चन हो सकते हैं, मेरे सेटअप से रिकमेंडेड क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, एकदम फन और एकदम चिल रखेंगे, मतलब मौज कटा देंगे आपको अगली वीडियो के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पोर्टोनिक के साउंड ड्रम पी की, जो कि हमारा एक ब्लूटूथ स्पीकर है। तो अंडर 2000 के प्राइस पॉइंट के ऊपर ये हमारा जो स्पीकर है आता है, और इसकी मैं स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं आपको। 20 वॉट का पावर आउटपुट निकाल के देता है स्पीकर, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है इसके अंदर, और जो 7.4 वोल्ट के ऊपर ये 2000 mAh की बैटरी को सपोर्ट करता है। तो ये सब तो इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होगी, मैं आपको क्लोजअप से दिखा देता हूं कि मतलब कैसा दिखता है स्पीकर और बिल्ड एंड फील्ड कैसी दे रहा, मतलब हाथ में लेकर कैसा मजा आ रहा है तुम्हें। तो जब क्लोजअप की बात कर ले स्पीकर की, तो भाई ऐसा कुछ दिखता है स्पीकर हमारा क्लोजअप से। तो इसकी यहाँ पे जो क्वालिटी दे रखी है वो काफ़ी अच्छी दे रखी है, कुछ फैब्रिक सा दे रखा है, और ऊपर नीचे हमें यहाँ पे जो मेटल का दे रखा है जो हमारा बेस प्रोड्यूस करता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे डॉट से दिख रहे होंगे कुछ अंदर की तरफ, तो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस करता है स्पीकर, इस साइड से और हमारी इस साइड से, तो बीच से कोई साउंड नहीं आती स्पीकर की। तो ऐसा मत सोचना भाई सराउंड साउंड प्रोड्यूस करेगा, मतलब साइडों से तो करेगा, वो फील सराउंड साउंड की आएगी आपको, बट ये मत एक्सपेक्ट करके चलना कि चारों तरफ स्पीकर दे रखे हैं हमारे। बाकी नेक्स्ट चीज़ की बात कर ले हमारा जो है हमारे यहाँ पे बटन्स, तो बटन यहाँ पे काफ़ी सारे टैक्टाइल्स बटन दे रखे हैं हमें, काफ़ी सही लगते हैं मेरे को बटन की क्वालिटी अच्छी लग रही है, और रबरी फील दे रखी है यहाँ पे, और प्रीमियम सा रबर है, ऐसा नहीं है सस्ता सस्ता फील होता हूँ। बाकी यहाँ पोर्टोनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है, और यहाँ पे सबसे पहला जो बटन है हमें यहाँ पे जो स्पीकर है उसको ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन देता है, तो इसको दबा के रखेंगे जैसे आप, तो वो ऑन हो जाएगा आपका स्पीकर और एक साउंड आती है, LED जल जाती है आपकी, तो ऐसी कुछ आवाज आती है आपकी स्पीकर की। और उसके बाद सेकंड जो बटन मिलता है हमें पॉज एंड प्ले का मिलता है, यहाँ पे पॉज और प्ले कर सकते हैं इसको टैप से करके। उसके बाद सेकंड जो बटन है हमारा वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करने का है, तो इसको इंक्रीज करने के लिए आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा, उससे आपकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी, और डिक्रीज करके रखना पड़ेगा उससे आपकी वॉल्यूम डिक्रीज होगी। बाकी सिंगल टैप करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट गाना है मतलब जो भी आप देख रहे हो वो नेक्स्ट चल प्ले हो जाएगा आपका, और मिनिमाइज करेंगे तो आपका पीछे वाला प्ले हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर आप इस रबर को उठाते हैं तो नीचे आपको काफी सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे, जैसे ऑक्स का पोर्ट मिल जाता है हमें यहाँ पे, सेकंड टाइप सी चार्जिंग के लिए पोर्ट मिल जाता है हमें, उसके बाद आपको माइक्रो यूएसबी कार्ड का एक स्लॉट मिल जाता है, और एक यूएसबी टाइप ए का पोर्ट मिल जाता है जिसमें आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं अपनी, और यूएसबी टाइप ए से भी प्ले कर सकते हैं, तो तीनों चीजों से आप गाने अपने प्ले कर सकते हैं। बाकी मेरे को क्वालिटी काफी अच्छी लगी स्पीकर की, इन हैंड फील भी अच्छी है, और काफी सही लगा मेरे को स्पीकर, कोई बहुत बड़े साइज का नहीं है, तो ऐसा मेरा कुछ हाथ है, तो इस साइज का स्पीकर आप देख सकते हैं, मतलब कोई बहुत तगड़ा और बहुत बड़ा स्पीकर नहीं है, मतलब क्वालिटी बहुत प्यारी है, बट स्पीकर वैसे इन्होंने कोई बहुत ज्यादा हेक्टिक और हेफ्टी नहीं बनाया कि आपको कैरी करने में कोई दिक्कत हो, और यहाँ से आपको एक स्ट्रैप भी मिलता है तो कुछ टांगने वांग के लेके जाना हो कहीं। तो ऐसा कुछ क्लोजअप था हमारे स्पीकर का, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया और बता दिया कि भाई कैसी फील एंड फिनिश है, तो बहुत ही तगड़ी लगी मेरे को फील फिनिश, मतलब एकदम प्रीमियम क्वालिटी से का लगता है स्पीकर। इसकी क्वालिटी मतलब मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी 2000 के प्राइस पॉइंट के ऊपर जो आ रहा है। बाकी बात कर लेते हैं मेन चीज की, जो कि इसकी साउंड क्वालिटी थी, तो एक बार मैं आपको सुना देता हूं, उसके बाद बताता हूं कि कैसी लगी मेरे को पर्सनली, क्योंकि वैसे भी माइक के अंदर इतना पता लगेगा नहीं आपको, स्पीकर के अंदर तो आपकी वही साउंड क्वालिटी आ रही होगी। तो गाइस अभी स्पीकर टेस्ट दिखा देता हूं मैं आपको, अभी वॉल्यूम जो कर रहा हूं मैं 30% पे कर रहा हूं वॉल्यूम, उसके बाद फिर धीरे धीरे 100 तक लेके जाऊंगा, तो देख लेना कैसा आ रही है वॉल्यूम आपको, मतलब आवाज कैसी आ रही है, बढ़िया आ रही है, नहीं आ रही, क्या आ रही है, देख लेना अपना। तो ये हमारी 30% पे वॉल्यूम है, तो बहुत ही कम है 30%, लेकिन अभी बढ़ाऊंगा धीरे धीरे। हमारे 100% वॉल्यूम हो चुके हैं, तो ऐसी कुछ आवाज आ रही है 100% पे। तो
ये गाना भी हम 100% वॉल्यूम में प्ले कर रहे हैं, जो पिछला था वो बेस बूस्टेड था, लेकिन ये नॉर्मल गाना है, तो इसके अंदर देखना 100% वॉल्यूम कितनी लगती है आपको। तो जैसे कि आपने सुनी लिया है, साउंड क्वालिटी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इसकी। मैंने सुनी 2000 के प्राइस पॉइंट, तो एकदम आंख बंद करके ले लो स्पीकर, बहुत ही तगड़ी साउंड क्वालिटी है। मिड्स इसके बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं, हाई इसके काफ़ी क्लियर हैं। फुल वॉल्यूम के ऊपर भी साउंड ज़्यादा डिस्टॉर्ट नहीं होती, थोड़ी बहुत सी डिस्टॉर्ट होती है, लेकिन जो इसके बेस की क्वालिटी है भाई, बहुत ही प्यारा बेस है, मजा आ गया भाई, एकदम पंजेंट बेस। और इसको मैंने कंपेयर भी किया था फ्लिप 3 SE आता है एक JBL का स्पीकर उसके साथ, उसकी भी साउंड क्वालिटी बहुत ही सिमिलर सी लगी मेरे को इसके। तो इसकी एक चीज मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी कि आप अगर इसकी वॉल्यूम को कम भी रखते हो, उसके ऊपर भी आपको बेस काफी ज्यादा अच्छा फील होता है, और जो इसकी बेस की क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। ऐसे नहीं मतलब अंडिशंड सा बेस दे रखा हो कि आपकी जो वोकल्स है उसको दबा दें और बेस बहुत ज्यादा हो, बहुत ही बैलेंस सी साउंड है और बहुत ही अच्छी साउंड है। बाकी अगर बात करें इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स की, तो इसके कुछ प्रोज हैं, जैसे कि जो ब्रांड है हमारा मेड इन इंडिया ब्रांड है, तो जो हमारे ब्रांड का पैसा है सारा वो इंडिया के अंदर ही रहेगा, और जितनी भी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना रहा है ये इसलिए बना पा रहा है क्योंकि इसके ऊपर मतलब बहुत ज्यादा टैक्सेस वैक्सेस नहीं लगते हैं क्योंकि बाहर से आता है, जैसे JBL VBL है। बाकी एक मेरे को सेकंड चीज इसकी बहुत अच्छी लगी वो है इसकी बैटरी लाइफ, तो बैटरी लाइफ काफी सही मिल जाती है आपको फुल वॉल्यूम के ऊपर अगर आप सुनोगे तो 3 से 3.5 घंटे का बैकअप निकाल के देता है, जो कि काफी ज्यादा सही है भाई। और 50% वॉल्यूम पे सुनोगे तो 6 से 7 घंटे, जैसे कि मेंशन कर ही रखा है इसके अंदर, तो 6 से 7 घंटे के आसपास आपको निकाल के दे देगा का जो बैटरी बैकअप है, जो कि बहुत ही ज्यादा सही रह जाता है भाई। 2000 के स्पीकर से आप और क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब 6-7 घंटे चल रहा है आपको, और 50% वॉल्यूम बहुत होती है। अगर आप किसी कमरे में बैठ के सुन रहे हो तो 50% वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा है। बाकी भाई इसके कुछ कॉन्स की बात कर ले, तो एक कॉन मेरे को ये लगता है ब्लूटूथ 5.0 का ही सपोर्ट मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर ऐसा है 20-25 फीट के अगर आप बहुत ज्यादा दूर जा रहे हो उसके बाद फिर आपकी साउंड कटने लग जाएगी, या फिर और ज्यादा दूर चले गए 5 फीट तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी साउंड आनी, स्पीकर आपका कनेक्ट रहेगा ब्लूटूथ से लेकिन आवाज आनी बंद हो जाएगी। तो ये मेरे को इसका कॉन लगा। मेरे को इसका कौन लगा कि आवाज इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, तो वो आपको बटन को प्रेस करके रखना पड़ता है, तो आप मतलब एकदम बहुत ही प्रिसाइजली साउंड बढ़ा कम नहीं कर सकते, तो अगर क्लिक क्लिक करके बढ़ा सकते होते साउंड तो एक एक लेवल में बढ़ती साउंड, तो वो ज्यादा सही रहता, बट क्लिक करते ही आपका फिर गाना नेक्स्ट प्ले हो जाता है, तो वो कभी कभार थोड़ी सी दिक्कत होती है, हर बंदा मतलब नेक्स्ट गाना प्ले कर सकता है, तो मतलब आपको जिसको नहीं पता वो फिर वो कर देगा, आपका दिमाग चकरा जाएगा, स्पीकर मार दो सिर में। तो ये मेरे को इसके थोड़े मोटे कॉन्स लगे, बाकी साउंड क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी 2000 के अंदर भाई आंख बंद करके लेने वाला स्पीकर है, और मैं ऐसे ही बोलता हूँ भाई आंख बंद करके ले लो, क्योंकि मेरे को मतलब जो प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं मैं सीधा बोल देता हूँ बहुत अच्छे हैं, और जो नहीं अच्छे लगते तो मैं कहता हूँ बेकार है भाई नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, और अच्छी नहीं लग रही हो तो भाई 2 बार डिसलाइक कर देना, आपका खुद का ही चैनल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और बट मेरे को बता जरूर देना डिसलाइक करने के बाद कि आपको वीडियो अच्छी क्यों नहीं लगी, या फिर अच्छी लगी तो क्यों लगी वो भी जरूर बता देना। बाकी ऐसी और ऑनेस्ट रिव्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो जैसे कि मैंने बताया गिव अवे लेके आने वाला, तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी भी जो बंदा चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा उसको भी भाई गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, और वो भी हो सकता है भाई वो एक्सेसरी जो मैं गिव अवे कर रहा हूं वो जीत सकता है। बाकी ऐसी 2000 सब्सक्राइबर पे एक और गिव अवे लेके आने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और 2000 सब्सक्राइबर भी अब करा दो भाई अपने, मतलब अपना ही चैनल समझो भाई, तुम्हारा ही चैनल है, तुमने ही बनाया है, जो भी मैं जहां पे भी हूं थोड़ा बहुत। और अगर आपको स्पीकर खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके बाय कर लेना, थोड़ा बहुत मेरे को हेल्प हो जाएगी अगर वहां से अगर आप बाय करते हो। बाकी गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक सी यू गुड बाय, और आसपास वाले जितने भी लोग हैं सबको प्यार बांटते रहो भाई, अपने पेरेंट्स को प्यार करते रहो और उनको खुश रखो, और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तो तब तक आपको बोलते हैं बाय बाय, और ठीक है भाई राम राम, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, साइनिंग ऑफ।